जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व मध्यपुरा सांसद पप्पू यादव अब रेलवे में ग्रुप सी और डी की भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों की समस्या पर बरसे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार ही नहीं हिंदी प्रदेश के लाखों परीक्षार्थियों को परेशान किया जा रहा है। परेशानी ऐसी कि रेलवे मंत्री पीयूष गोयल माफी के भी काबिल नहीं है। मंगलवार 30 जुलाई को इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाएंगे पप्पू यादव, और अगर तुरंत समाधान नहीं निकला तो बिहार में 1 अगस्त को रेल चक्का जाम किया जाएगा। दरअसल पप्पू यादव छात्रों को बिहार से बाहर भेजने पर गर्मे हैं और मोदी और पीयूष गोयल पर खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या मोदी और पीयूष गोयल छात्रों को सर पर बिठा के ले जाएंगे। सांसद ने सोमवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल देश को बताएं कि रेलवे भर्ती के लिए वर्षों से परेशान रहे करोड़ों की संख्या में वैसे बेरोजगार जिनके पास फॉर्म भरने को 400 रुपए नहीं थे, उन्हें परीक्षा देने को बिहार से बाहर हैदराबाद, चेन्नई और लक्षद्वीप क्यों भेजा जा रहा है? क्या परीक्षार्थी नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल के माथे पर बैठकर वहां जाएंगे? भर्ती परीक्षा 9 अगस्त से शुरू होने वाली है। शहरों तक जाने के लिए पर्याप्त ट्रेन भी नहीं है, न ही गरीब परीक्षार्थियों के पास पैसे हैं, तो क्या आने जाने के लिए मोदी और पीयूष गोयल स्विस बैंक से पैसा लाकर देंगे? फिर जब ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी तो किसी तरह पहुंचने की मारामारी होगी। ऐसे में कहा जाएगा कि बिहार के छात्र बवाल काटते हैं। सांसद ने गुस्से में कहा कि सुन लीजिए पीयूष गोयल जी, सभी अव्यवस्थाओं का कसूरवार आप होंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि वह इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे कि आखिर क्यों बेरोजगार परीक्षार्थियों को 2000 किलोमीटर दूर जाने को कहकर टिकट के माध्यम से रेलवे की कमाई की जा रही है। दूसरा यह कि दूरी को इतना बढ़ा दिया गया कि परीक्षार्थियों की संख्या ही कम हो जाए। पप्पू यादव ने कहा कि यह दोनों बातें बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और वह इस मुद्दे को संसद में जरूर उठाएंगे। लाइव सिटीज के लिए साहेब अली की रिपोर्ट।